as it can be seen. It's a very rainy start of the day. अब मैं किस तरह से बाइक पे सामान लोड करूँगा और इस जगह से निकलूँगा मुझे भी समझ नहीं आ रही। GoPro को मैं किसी तरह से वाटरप्रूफ करूँ ताकि मैं बारिश में भी व्लॉगिंग कर सकूँ, उसका भी कोई जुगाड़ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सो मैं अभी बस नाश्ता करूँगा, ब्रेड वगैरह साथ चाय शाय बना के, और फिर देखेंगे इसमें से कैसे निकलना है। GoPro का मैंने हल्का सा जुगाड़ तो किया है, लग रहा है वो चल जाए कि इस में वेदर में व्लॉगिंग कर सकूं। लेकिन आज अगर वेदर ऐसा ही रहा तो एडवेंचर ज़्यादा ही हो जाएगा। ओके, सामान लोडेड है, वाटरप्रूफ का जुगाड़ मैंने कर लिया है, अपना भी GoPro का भी। अब इस बारिश में सारा सफ़र लग रहा है उस साइड पे। नहीं यार, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, कोई उम्मीद भर नहीं आती यार। क्या खूबसूरत बारिश ऐसे ऐसे आ रही है, ब्यूटीफुल यार। चलो लेट्स गो। दिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट डे बाय डे। मैंने नीचे पजामे की जुगाड़ की थी कि पैरों में पानी ना जाए, वो जुगाड़ भी फेल हो गई है। सो आहिस्ता आहिस्ता जाऊँगा, पैरों में तो पानी मेरे ख्याल से जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, गीला टूर ही चलेगा अब। अच्छा, अच्छी बात ये है कि सर्दी इतनी नहीं है। वैसे बारिश हो तो सर्दी वैसे कम हो जाती है, लेकिन सर्दी इतनी नहीं है। सो आई एम वेरी कंफर्टेबल एज लॉन्ग एज आई एम ऑन द बाइक। चलते फिरते ज़रा प्रॉब्लम होती है क्योंकि अब मैंने गियर ज़्यादा पहन लिया, लेकिन क्या खूबसूरत रोड है इस पर ड्राइव करने का, इतना मज़ा आ रहा है इवन इन दिस रेन। इतनी GoPro में सही नज़र भी आ रहा है कि नहीं। ओए होए, पानी तो इतना है कि आप शारे बहना शुरू हो गए हैं। अगर लेफ्ट है मेरे, ये वही लेक है जो समंदर के साथ जुड़ी हुई है बिल्कुल, अगर नज़र आ रही है मुझे तो आधी नज़र आ रही है। और राइट पे बस ये इतना पानी आ रहा है, और आज मैं कहीं पहुंच गया तो बहुत बड़ी बात है। एनीवे, मेरे लेफ्ट साइड पे रेलवे का ट्रैक भी एक पूरा गुजर रहा है, तो यहाँ से ट्रेन भी गुजरती है इस लेक के साथ साथ। ये तो फिर कोई मुनाल टाइप रोड आ गई यार। एक गाड़ी गुजरी है उसने मेरे ऊपर सारा पानी छिटा मार दिया यार। मुझे ये बैग इधर रखना पड़ेगा यार, छोटा वाला भी। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और इधर चीज़ें बिल्कुल गीली हो जाएगी। थोड़ी सी ब्रेक ली है, बारिश ज़्यादा है। एक लेक है, ये लेक पे एक कैफ़े है, इट्स लाइक ए गोल्फ क्लब, और इसमें मैं दरख्त के नीचे खड़ा हूँ। बारिश उस तरह से तेज़ नहीं है लेकिन हल्की हल्की है, और ये मुझे पता है लगी रहेगी। अब मुझे इसको कहीं संभालना है ताकि ये गीला ना हो। उधर की तो खैर है, 360 मैंने लगा दी इधर निकाल के, इनकेस ज़रूरत पड़े मुझे। तो फॉर नाउ आई थिंक आई एम ओके, एक्चुअली आई एम नॉट ओके। नज़र आ तो रहा ही होगा, मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ उसका नाम है एप्पल्स क्रॉस पास, उसको लोकल लैंग्वेज में ये ब्लखनाबा पास भी कहते हैं। बेसिकली उसकी जो हिस्ट्री है ये थिंक शेपर्ड्स पास था, जानवरों के लिए था, भेड़ बकरियों के लिए, तो अब उन्होंने इसकी रोड बना दी है पूरी। तो अपेरेंटली इट्स लाइक द स्टीपेस्ट क्लाइंब
इन द यूके, तो बड़ा कहते हैं डेंजरस है ये, और वो मैंने जो वीडियोस देखी हैं उसमें तो मोनाल की क्लाइम ज़्यादा डेंजरस है। तो लेकिन वेदर जो है ना वो आज साथ नहीं दे रहा। स्कॉटलैंड था, एक्सपेक्टेड था ये वैसे, लेकिन जो कंडीशन है इसी में मैं देखता हूँ हाईएस्ट एलिवेशन में कितनी पकड़ता हूँ। एप्पल क्रॉस की क्लाइम से मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ, लेकिन ये साइड वे समंदर है मेरे, और हवा बहुत तेज़ है यार, साथ बारिश भी। चीज़ें मैंने अपनी संभाल ली हैं, गोप्रो मेरा मैनेज्ड है, सो इट्स ओके। और पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं, मुझे मैंने स्पीड बहुत स्लो की हुई है इस वक्त। डिस्टेंस में आबशार जो है ना उससे पता लग रहा है कि कितनी बारिश हो रही है। दरिया आबशार, गाड़ी वाले भी मुझे देख के कह रहे होंगे भाई तू पागल है। एक नैरो सा कॉरिडोर आया था, इसमें से हवा इतनी तेज थी। बादल लेफ्ट साइड पे हल्के हल्के छट रहे हैं, हाँ, लेकिन इस साइड पे नहीं। अच्छा ड्राई डॉकिंग, ये डॉक भी है यहाँ पे, क्योंकि वेदर ख़राब है लोग अपनी शॉप्स वगैरह भी बंद कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर्स भी शायद नहीं आ रहे आई गेस। लेकिन हाँ एप्पल क्रॉस पास इटसेल्फ जो है वो 1 माइल दूर रह गया है, सो आई एम जस्ट हेडिंग देयर। यार सच अ ब्यूटीफुल रोड यार, और दरख्त तो, देखो वेदर क्लियर हो रहा है, ये चीज ओए होए होए होए। पानी के ऊपर हवा, अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि जब पानी के ऊपर ले रहे हैं ना वो किस तरह से मूव कर रही हैं, ये हवा की वजह से भी, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा है। लेकिन सो फार बारिश इस साइड पे रुक गई है, दरख्तों की साइड है बारिश हो रही थी। नाइस, ये लो जी आई एम ऑन दी एप्पल क्रॉस, दिस लेफ्ट इज़ बेसिकली एप्पल क्रॉस। इस पे मोटर होम्स और ये दूसरे वाले ट्रॉलीज अलाउड नहीं है, और यहाँ पे लोगों ने, बाइकर्स ने अपने स्टिकर्स वगैरह भी लगाए हुए हैं। और हवा से मुझे अंदाज़ा हो गया है कि इधर हवा लगने वाली है, लेकिन यस दिस इज़ द एप्पल क्रॉस। ओह यस बेबी, पता नहीं यस बेबी क्यों निकला मेरे मुंह से, लेकिन माय गॉड हवा, आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल नाउ, क्योंकि वो पिछले हवा ने जो है ना मेरी बाइक लेफ्ट राइट कर दी, इस तरह अभी भी हो रही है। I think as a biker I shouldn't be here.
लो जी, मैं इधर कर रहा हूँ, एक बंदा जॉगिंग कर रहा है, वो भी अपने कुत्ते के साथ। भाई सिचुएशन इतनी कोई अच्छी नहीं है, ये तो मैं बाइक पे हूँ, गाड़ी शाड़ी होती तो इतनी हबेट। रोड इतनी खतरनाक नहीं है, इस वक्त मेरे मुंह के अंदर भी पानी गया हुआ है। लेफ्ट राइट गाड़ियाँ कोई नहीं है, विच इज अ गुड थिंग। जा ही जाऊँ, रुकना नहीं है। वेदर सही होता तो मैं इधर ड्रोन उड़ाता, लेकिन आई थिंक इस पास पे हमेशा विंड और रेन रहती है, सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। एक गाड़ी तो आ रही है सामने से, वो 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 बाइक मेरी टेढ़ी चल रही है हवा की वजह से। आई कैन डू इट, इफ आई कैन डू दिस आई कैन डू एनीथिंग। और मैं सोच रहा था मैं यहाँ पे कहीं बाइक लगा के वाइल्ड कैंपिंग करूँगा, NC 500 करना है, NC 500। ओह बहुत हवा थी नीचे यार, ऊपर ज़्यादा हवा होनी चाहिए, हवा बंद क्यों होगी। नाइस रोड आई मस्ट से, अगर नजर आ रहा था तो व्यूज बहुत अच्छे होते। ये मैं जानबूझ के आवाजें नहीं निकाल रहा, आई एम स्ट्रगलिंग टू कीप द बाइक स्टडी, हवा बहुत ज्यादा है। ओह यार क्या खूबसूरत यार, एलिवेशन इसकी वो वाली नहीं है जो जिस तरह से इसको कहते हैं, लेकिन इसके व्यूज आई थिंक मैं पहाड़ के साइड पे आ गया हूँ तो विजिबिलिटी भी हो गई है, हवा भी इधर थोड़ी कम है, और लिटरली मैं बादलों में जा रहा हूँ इस वक्त यार, लेकिन ऊपर से जो पानी बारिश हो रही है वो सारा पानी नीचे की तरफ जा रहा है इस वक्त। बैक मुनाल वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स याद आ रहे हैं, नहीं एलिवेशन तो है और पानी भी बहुत है। वक्त मेरे जूतों में भी पानी चला गया ऊपर से, क्योंकि मेरे कपड़े सही नहीं हैं और मेरे ग्लव्स भी गीले हैं, और ग्लव्स भी गीले हो गए हैं मेरे, और अब ठंड भी लग रही है। पीछे मेरे व्यू पॉइंट गुजरा है, आई थिंक ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है आई गेस इस पास का, क्योंकि अब रोड नीचे की तरफ जाना शुरू हो गई है तो उस पर गाड़ियाँ एक दो पार्क थी वहाँ पे, आई गेस वहाँ से व्यू बहुत लेवल का आता होगा, मुझे तो कुछ नहीं नज़र आया इसलिए मैं नीचे की तरफ ही जाना शुरू हो गया। लोग देख के ना मुझे परेशान हो रहे हैं कि यार जिन है ये बंदा, मर्द का बच्चा ही है, कितना बड़ा जिगरा होगा इसका, इधर फिर रहा है। लोगों को ये नहीं पता मेरी शक्ल क्या बनी हुई है इस वक्त, हेलमेट के अंदर मेरा तना निकला हुआ है। ओ यार ओ
बारिश तो मुझे मसला नहीं है, जो विंड है ना, दिस इज नो गुड। पूरी बाइक और बंदे को हिला के रख देती है यार ये। नहीं चलो एटलीस्ट मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ अब। तो है लेकिन बारिश थोड़ी कम हो गई है, सो आगे मेरे ख्याल से बारिश नहीं हो रही विजिबिलिटी, क्योंकि यहाँ से नज़र आ रहा है वो माउंटेन का वो वाली साइड थी जहाँ पे बारिश हो रही है। और अच्छा ये रोड है, ओ व्यू तो अब नज़र आ रहा है ना, वाह यार नॉट बैड। मुझे कोई शेल्टर मिल जाए ना मैं थोड़ी देर ब्रेक लूँ, लेकिन प्रॉपर विल्डरनेस, ये वाकई वाइल्ड कैंपिंग कर सकते हैं आप यहाँ पे। मतलब बाइक इधर कहीं खड़ी कर दी साइड पे और उधर जाके टेंट लगा दिया, प्रॉपर विल्डरनेस। ओह पानी कितना है यार, yes this is too good yaar, this is nice, this feels a bit better, okay yahan pe barish us tarah se nahi hai, hawa bhi us tarah se nahi hai, to aur samne kuch nazar bhi aa raha hai, maine visor bhi khol liya hai to visibility achhi hai। oh idhar bhi wo wale darakht hain yaar, ye jo kate hue hain pata nahi kya kiya hua inhone chalaye mein। ye jo route hai north coast ka, अब ये वो सामने कोस्ट है और उसके साथ वो पूरा पूरी रोड जा रही है कोस्टल। ये लंबा सा रूट है लेकिन आप नॉर्थ कोस्ट 500 इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आप नॉर्थ कोस्ट के साथ साथ अप्रॉक्सीमेटली 500 प्लस माइल्स ट्रैवल करते हो। अब जाके थोड़ा सा सुकून आया, एप्पल क्रॉस जो मैंने है वो कर लिया है, अभी नॉर्थ कोस्ट रूट शुरू हो गया है, अब मैं कहीं उस पर देखता हूँ कोई कैफ़े वगैरह हो तो मैं उस पर रुकूँगा। अरे कैफ़े ही लग रहा है मुझे, लेकिन एप्पल क्रॉस साउथ इधर ही रुकता हूँ। एप्पल क्रॉस के साथ ही उतरते ही लेफ्ट पे चले जाएं तो ये एक पब है, हाँ पब खुला हुआ है और आई थिंक इसमें होटल वगैरह भी हैं, तो मैं इधर बैठ के कोई कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर करता हूँ एंड आई एम गोइंग टू रिलैक्स अ लिटिल। ओह बुरी हालत हो गई यार, आई एम जाना मैंने अब उस डायरेक्शन में। Still alive? Oh, बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है जो मैं करके आ गया हूँ ना। पब वाली भी मुझे कहती है यार तू पागल है क्या है, मतलब नीचे से भी रास्ता जा रहा है ऊपर से क्यों आया है यार। लेकिन मैं अंदर नहीं बैठा, मैं बाहर बैठ गया शेड में, इधर हवा चवा है हवा, लेकिन आज सर्दी इतनी नहीं है मुझे यार। मैंने अपने लिए हॉट चॉकलेट खाऊंगा और बस ये खा के तो फिर आगे की तरफ निकलूंगा। जरा बाइक स्ट्रगल कर रही है और ये साइकिलों पे जा रहे हैं भाई। अब मेरे गियर में जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ना वो मेरा वाटरप्रूफ ट्राउज़र है, ये नीचे से जूतों के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा सही तरह से, तो उसकी वजह से जो ऊपर से पानी निचोड़ता है ना तो जब मैं बाइक पे बैठता हूँ तो वो जूते की टॉप से अंदर चला जाता है, तो इवन दो मेरे जूते वाटरप्रूफ हैं लेकिन वो फिर वाटरप्रूफ नहीं रहते। मैंने टेप वाली जुगाड़ की थी लेकिन वो नहीं हुई सही। एप्पल क्रॉस भी ऐसे मिल जाता ना मज़ा आ जाता। वो बारिश हो रही है वो उस रीजन में,
जी सलाम अलैकुम, ये नॉर्थ कोस्ट 500 का रास्ता इधर ही है, इस डायरेक्शन में बता देना, मुंह उधर मोड़ने मुझे पता लग जाएगा यार। चलो ओके, इधर ही होगा। क्लाउडी सा हो, अगर बारिश ना हो रही हो तो ब्यूटीफुल यार, द प्रॉपर स्कॉटिश। यार एक कैंप साइट तो है, अब ये कैंप साइट जो है इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आई डू नॉट नो, आई एम जस्ट गोना गो एंड रीड इट। कैंप साइट फ्री है, नाइस। इस क्योंकि 3 बज गए हैं और ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, तो थोड़ा सा ग्राउंड हार्ड मिल जाए मुझे तो, और थोड़ा सा शेल्टर हो, शेल्टर मुझे कहीं नहीं नज़र आ रहा, वो जगह सही लग रही है यार। ये कैंप साइट है, इसके टॉयलेट्स भी हैं, इट्स काइंड ऑफ फ्री। ये इसका ऊपर का व्यू है और मैं इधर अपना टेंट लगाऊंगा, इस जगह पे जगह मुझे सेफ लग रही है। लेट्स डू दिस। बाइक इधर पार्क कर दी है मैंने और टेंट जो है वो मैंने वहाँ पे लगा दिया है, और इसमें सामान मैंने अपना जो काम का था वो डाल दिया है सारा। बाकी ये बाइक, ये टेंट, इधर ही मैं खाना शाना करूँगा। ये मेरे सामने का व्यू है आज का, एक टेंट और लगा हुआ है और एक टेंट ये लगा हुआ है। देखूँगा ज़रा आसमान, अगर खुला तो कोई ड्रोन शोन उड़ाएंगे, वरना अभी मैं, मेरे पाँव बिल्कुल गीले हैं, तो मैं ज़रा टेंट में जा के अपने आप को ड्राई करूँ। तो करी बना रहा हूँ, वेदर थोड़ा बेहतर हो गया है लेकिन हिजरामें सूख रही हैं, जगह अभी भी थोड़ी स्टेबल नहीं हुई।
टेंट मेरा लगा हुआ है, बीच में मैंने फेरी लाइट्स आज इधर टेंट में लटका ली हैं। इधर मैं अपने लिए कुछ नूडल्स वगैरह अभी बनाऊंगा। फ़ोन है उसमें भी आगे ना फॉग सी आ गई उसके कैमरे में, तो मुझे लगता है वो भी अल्लाह को प्यारा होने वाला है। लेकिन हाँ, आज का दिन बहुत ही डिफ़िकल्ट था ट्रैवलिंग के लिहाज से। कल होपफुली आगे जो वेदर की फोरकास्ट उसमें थोड़ा क्लाउडी होगा, इतनी रेन नहीं होगी, तो मैं ज़रा अच्छा सर्वाइव कर जाऊँगा। लेकिन इस वक्त मैंने मेस डाला हुआ है हर जगह पे, तो बस मैं अभी खाऊंगा और फिर मैं लेटूंगा ताकि मैं सुबह ज़रा अपना दिन जल्दी स्टार्ट करूँ। सो आज का एपिसोड इधर ही ख़त्म। अनटिल टमोरो, टीसी।